आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो इससे पहले हमने बात की थी एक मैथमेटिकल और क्लासिकल थ्योरम के ऊपर। तो हमको बेसिकली वो समझ में तो आ गई थी कि फेवरेबल एलिमेंट्स जो थे उनमें हम डिवाइड दे दिया करते थे सैम्पल स्पेस से, और वहाँ पे एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपको 4 प्रॉब्लम ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपकी एडवांस लेवल की जो प्रॉब्लम होंगी उनको भी सॉल्व करना इजीली आ जाएगा। और इन सारी प्रॉब्लम्स में मैं आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज़ करके बताऊंगा कि अगर आपने कॉम्बिनेशन और परमुटेशन नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो को ज़रूर देख लें। मेरे चैनल पर बेसिक टू एडवांस में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप आई बटन पर देख सकते हो, वो प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से जिससे कि आपकी अप्रोच बने। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है शायद। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे बताया जा रहा है इफ़ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, एंड वॉट इज़ द चांस दैट ऑल विल बी क्वींस। देखिए यहाँ पे हमसे क्या क्या कहा जा रहा है, आपके पास 52 कार्ड हैं, कितने बेटा 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, और उसमें से कहा जा रहा है कि 3 कार्ड्स जो हैं आपके ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी 3 कार्ड्स जो हैं क्या किए जा रहे हैं, ड्रॉ किए जा रहे हैं 3 कार्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे चांसेस हुए, फर्स्ट हमारे टोटल कार्ड्स में से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पहले तो आपको ये समझना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ब्लू से बताता हूँ। अब देखिए 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, सिंपल सी बात है, जब उसमें से एक ऐसा इवेंट घट रहा है कि उसमें से 3 कार्ड जो हैं ड्रॉ हो रहे हैं, अब हमें नहीं पता कौन से 3 कार्ड ड्रॉ होंगे, 1 2 52 कार्ड्स ही तो हैं आपके पास स्टूडेंट टोटल, ध्यान से समझना 52 कार्ड्स हैं, 1 से लेके 52, लेकिन उसमें से 3 कार्ड्स ड्रॉ हो रही हैं क्या इसमें स्पेसिफाई है, नहीं है स्पेसिफाई, ठीक है, यहाँ पर कोई स्पेसिफाई नहीं, लेकिन 3 कार्ड्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं ड्रॉ। तो आपका यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है जी, तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से निकालते हैं आप सबको मैं बता चुका हूँ वैसे तो पिछले लेक्चरों में। तो आपका 52 टोटल है यानी कि 2 यानी कि n की पावर, ठीक है, एंड c आपके 3 कार्ड ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है, कोई से भी कार्ड हो सकते हैं, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है, अभी इतना ही लिखा रहने देते हैं इसे। अब देखिए अब यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है, इसे तो मैं करता हूँ बंद डिब्बे में। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है, वॉट इज़ द चांस दैट ऑल विल बी क्वींस। तो देखिए क्वीन जो होती हैं यहाँ पे क्वीन के आने के कितने चांस होंगे हमको ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप सब लोग जानते हो क्वीन जो होती हैं 52 कार्ड्स में वो आपकी 4 क्वीन होती हैं, कितनी होती हैं 4 क्वींस होती हैं, ठीक है, 4 क्वींस होती हैं, ठीक है जी। अब 4 क्वींस जो होती हैं उनमें से, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब 3 कार्ड ड्रॉ किए जा रहे हैं हो सकता है कि क्वीन भी आ जाए 3 टाइम, हो सकता है नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और तो आपको यहाँ पे जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा तो इसका भी आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन ये बेटा किसके लिए है, क्वीन के लिए, क्वीन के लिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे 4 c 3, अब यहाँ पे मैं 3 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में भी आपकी 4 तो क्वीन होती है ना, 4 क्वीन भी होंगी, जोकर भी होंगे, है ना, क्योंकि वो उसमें ही इंक्लूड है 52 में। तो हो सकता है कि क्वीन को ही आप सेलेक्ट कर लो और क्वीन ही आ जाए कॉम्बिनेशन में, मतलब कि उसके चांस हैं इतने आने के 3 टाइम तक, तो उसका कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब इस वाले कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे बेटा, एन एस यानी कि एलिमेंट ऑफ एन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, और इसे क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे एलिमेंट ऑफ एन इवेंट, ठीक है, जो इवेंट है आपका उसमें। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेसिकली, किससे डिनोट करते हैं बेटा, एन ए से करते हैं। तो आप इसे ए लिख दीजिए और इसे आप सैंपल लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इसमें अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी यानी कि पी ए, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। अब आपका यहाँ पे क्या है, ए सॉरी
एन ए अपॉन आपका हो जाएगा यहाँ पे एन एस, ये टोटल सैंपल स्पेस और यहाँ पे फेवरेबल, तो आप इसमें बस डिवाइड दे दिए। तो यह हमने फॉर्मूला पुटअप कर लिया। अब इस फॉर्मूले के बाद हमें क्या करना है यहाँ पर, ओके तो आप देखिए सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या है आपका 52C3 और आपका 4C3, ठीक है जी 4C3। अब आप इसे जब आगे सॉल्व करोगे तो आगे सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा 4 × 3 × 2, क्यों, क्योंकि 3 टाइम चल रहा है इसलिए 2 तक चल रही, 3 तक चलाया हमने, और 3 × 2 × 1, ठीक है। अब इसका बड़ा वाला कॉम्बिनेशन फिर 52 × 51 × 50, फिर इसमें आपका आ गया 3 × 2 × 1, ठीक है जी। तो जी आपको मैं ट्रिक सारी बता चुका हूँ कॉम्बिनेशन वाले में, एक बार जाके आप देख लें तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो टोटल आंसर आएगा वो मैंने यहाँ पे सॉल्व करके रखा है, आप चाहे तो इसे सॉल्व कर लीजिए। टोटल इसका बनना है आपका 1/5 5 2 5, ठीक है जी। तो आपका जो यहाँ पे पी ए निकला यानी कि प्रोबेबिलिटी जो निकली आपकी, ये निकला है आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यानी कि क्वीन आने की चांस इतनी होंगी आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपके पास इवेंट कैसा घट रहा था कि क्वीन आने के चांसेस कितने हो सकते हैं जब आपके 3 कार्ड्स निकलने हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी आपकी, ये फाइनली प्रोबेबिलिटी निकलाई, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए आपके पास 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स में से आपके 3 कार्ड ड्रॉ किए जा रहे थे, जिनमें आपकी 4 क्वीन भी इंक्लूड होती हैं, जोकर भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन हमसे बोला जा रहा था कि क्वीन के आने के कितने चांस हैं, है ना। तो 4 क्वीन थी, तो हमने सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका सैंपल स्पेस। देखो हमें सिंपल सी बात है, जब हम एक डाइस भी यहाँ पे क्या करते थे फेंकते थे तो हमारे पास 6 आउटपुट आते थे, है ना, तो उसमें से हमारे पास कुछ ना कुछ सेट बनता था, उसी प्रकार हमने यहाँ पे बनाया। तो सबसे पहले हमें 52 कार्ड में से जब 3 कार्ड्स निकलने हैं तो उसका हमें क्या बनाना था, एक सैंपल स्पेस जिसमें कि हमें सैंपल पॉइंट को फाइंड आउट करना। तो सैंपल हमने पॉइंट फाइंड आउट किए इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने कॉम्बिनेशन निकाला क्योंकि हमारे पास 4 क्वीन थी, हो सकता था कि 3 क्वींस आ जाए, अब हमें नहीं पता 4 क्वींस में से कौन सी 3 क्वींस आएंगी, है ना, तो वो भी चीज़ हमने यहाँ पर निकाल ली। तो उसके बाद में हमने क्या किया, सिंपली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया और हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, सोचिए और कि मैंने क्या किया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हैं और समझते हैं उसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इस वाले क्वेश्चन को आप प्लीज़ ध्यान से समझें कि ये क्वेश्चन है क्या और हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा हुआ होता है, बस हमें थोड़ा लॉजिक लगाना होता है, ठीक है। अब देखिए हमने पहला वाला क्वेश्चन किया उससे ये थोड़ा टफ है, समझते हैं। वर्ड्स आर फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ वर्ड पीस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन दैट टू इज कम टूगेदर। देखिए इसमें एक पीस दे रखा है, पीस नाम का एक वर्ड दे रखा है, ठीक है। मैं लिख के आपको बताता हूँ पीस नाम का हमारे पास वर्ड क्या है बेटा, अभी सिंपल एक वर्ड है हमारे पास, क्या है उसमें PEACE, हमारे पास पीस नाम का ये वर्ड दे रखा है, ठीक है। अब उसमें जो लेटर है, टोटल लेटर कितनी है हमारे पास, आपके पास 5 लेटर हैं, 5 लेटर्स हैं। हमसे उसमें पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन, ठीक है। पहले हमें क्या बतानी है, परमुटेशन बतानी है, फिर प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है, टू जो है आपका, मतलब कि यहाँ पे जो डबल जो लेटर दे रखे हैं ना, ई आपका क्या है, टू टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, टू टाइम क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमें उसकी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी भी बतानी है और परमुटेशन भी बताना है। तो मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले परमुटेशन निकालिए, क्योंकि अगर आप परमुटेशन निकाल लेते हो तो उसमें आपका सैंपल पॉइंट भी पता चल जाता है और आपके जो एलिमेंट होते हैं, जो फेवरेबल एलिमेंट, वो भी आपको पता चल जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं, सिंपल डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे परमुटेशन को फाइंड आउट करिए। तो आप कैसे करोगे, तो देखिए मैं परमुटेशन को यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से समझना जी। तो परमुटेशन फर्स्ट, ठीक है, परमुटेशन। अब जो परम्यूटेशन क्या होता है, तो आपने मेरी वीडियो फॉलो की होगी, अगर नहीं गए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके देख लें, ठीक है। ठीक, अब देखिए परम्यूटेशंस के लिए आप क्या करोगे, देखिए अब आपके पास टोटल कितने लेटर हैं बेटा, पीस, यानी कि पी ई ए
C E, आपके पास फाइव लेटर हैं, टोटल फाइव लेटर हैं, तो हम इसको मानते हैं N, ठीक है। N बराबर कितना है आपका, फाइव, ठीक है जी, हमारा फर्स्ट निकल आया, ठीक। लेकिन हमें पता है कि अगर हमारा कोई लेटर रिपीट होता है परम्यूटेशन में, तो उस रिपीटेशन वाले लेटर से उस टोटल एलिमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास परम्यूटेशन का फर्स्ट टर्म निकलाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे जो फर्स्ट फार्मूला लगेगा हमारा, फर्स्ट फार्मूला होता है हमारा, ओके एन सॉरी एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, पी यानी कि रिपीटेशन, ठीक है। तो ओके वन सेकेंड, आपके एन, आपके टोटल एलिमेंट कितने हैं, यानी कि टोटल लेटर फाइव लेटर हैं, ओके फाइव का फैक्टोरियल, आपके लेटर कितने रिपीट हो रहे हैं, टू लेटर रिपीट हो रहे हैं, तो आपका टू का फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर दीजिए, ओके 120 अपॉन टू, यानी कि आपके पास 60 क्या निकला है बेटा, वर्ड, ठीक है। लेकिन अभी केवल वर्ड निकले हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या नहीं निकला हमारा, कम टूगेदर की जो कंडीशन थी वो हमें निकालनी है, ठीक है। यानी कि कम टूगेदर, देखिए इसके अंदर 60 वर्ड कैसे होंगे आपको ये और बता दो, वरना आप कन्फ्यूजन में जाओगे 100%। इसके अंदर वो लेटर्स होंगे जैसे कि आपका पी ई ए सी है, ठीक है। तो हो सकता है पी सी ई ए हो सकता है आपका ए ई सी ए ई हो, मतलब है इसका मतलब समझिए, सॉरी पी पी ई हो, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो जो ई है ना कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, कहीं भी कितने भी आप लेटर बनाओ, आपके पास 60 वर्ड ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें ई कहीं पर भी मतलब कि एक साथ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे नहीं आ रहा है पी डबल ई सी ए, इस तरीके से नहीं आ रहा है वर्ड, मतलब एक साथ नहीं आ रहा है, तो ये कम टूगेदर मतलब हुआ, ठीक है। तो इसी वाली कंडीशन में निकालने के लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, तो वो देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें टू ई एस है, तो हमारे पास दो लेटर रिपीट हो रहे हैं ओनली ई ई, तो आपका ई जब टू टाइम रिपीट हो रहा है तो हमारा इसका मतलब होता है तो टू, ठीक है टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब टू लेटर है आपके थ्री लेटर तो आपके बच रहे हैं, तो इसे आप एज अ वन लेटर मान लेते हैं ई को, क्या एज अ वन लेटर, ठीक है एज अ ग्रुप, मतलब कि ये ग्रुप मान के चलिए, तो एज अ वन प्लस के वन इजकल टू फोर, तो यहाँ पे हम कर देते हैं फोर का फैक्टोरियल, तो आप यहाँ पे फोर का फैक्टोरियल कर दीजिए आप, ठीक है जी, फोर का फैक्टोरियल, यानी कि आपका कितना निकला है, फोर का फैक्टोरियल 24 होता है, ठीक है। अब इस 24 में आपको डिवाइड कर देना है 60 के अंदर, तो देखिए अब इस 60 में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड स्टेप होता है हमारा इसके, इसमें 60 इंटू आपका क्या हो जाएगा 24 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास कितना निकलेगा स्टूडेंट जी टोटल, ओके वन सेकेंड, 60 एंड 24 आपका, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है टोटल, ओके यहाँ पे आ रहा है 1440, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, बेस होंगे आपके, बेस का मतलब है 1440 आप ऐसे वर्ड बना सकते हो जहाँ पर आपके जो है ऐसे भी वर्ड पाए जा सकते हैं और डबल ई वाले भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का ही आपका कॉम्बिनेशन पाएगा, मतलब कि कम टूगेदर में कितने लेटर आएंगे बेटा, 1440, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, देखिए अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, आप देखिए वन टू आपके कितने हैं, 60 वर्ड हैं ये वाले, ठीक है, और 1 टू 40 वर्ड हैं आपके ये वाले, ठीक है। तो देखिए आपका एक एज अ वन माना जा रहा था डबल ई को एज अ वन माना जा रहा था, तो हो सकता है कि वो किसी एक लेटर के साथ में जाए, फिर आपका दूसरा दूसरे के साथ में जाए, फिर तीसरे के साथ में जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनते हुए जाएंगे, तो 60 में आप क्या करोगे, 24, ठीक है। तो 24 का आप 60 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे टोटल जो है परम्यूटेशन की अरेंजमेंट फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट, अब हमने ये परम्यूटेशन तो निकाले, अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालने में इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इसे रफ करता हूँ थोड़ा, वन सेकेंड, ओके सो मैं इसे भी रफ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम परम्यूटेशन निकालते हैं, ठीक है जी। अब देखिए परम्यूटेशन के लिए, सॉरी प्रोबेबिलिटी, अब
प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, देखिए तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, यहाँ पे सैम्पल स्पेस की, ठीक है, सैम्पल सैम्पल स्पेस की। तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो देखिए हम यहाँ से वर्ड को उठाएंगे सबसे पहले, 60 वर्ड है हमारे पास, ध्यान से समझना, हमारे पास कितने हैं 60 वर्ड हैं पीस के अकॉर्डिंग, ठीक है, 60 वर्ड, यानी कि ये आपका क्या कहलाएगा, सैम्पल पॉइंट है इसके अंदर, मैं इस तरीके से लिखता हूँ 1 to 60, ठीक है, तो 1 to 60 जो वर्ड हैं वो आपके क्या हैं यहाँ पे, सैम्पल पॉइंट, सैम्पल पॉइंट, ठीक है। सैम्पल पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, उसको हम डिनोट करते हैं एन एस से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे कोई एक इवेंट है, ए एक इवेंट घट रहा है, कैसा घट रहा है, जहाँ पे आपका कम टुगेदर में आई कोई वैल्यू, ठीक है, तो कम टुगेदर में कितने हैं 24 आपके लेटर्स बनने हैं, 1 to 24 वाली आपकी कंडीशन घट रही है, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है जी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इवेंट, और ये इवेंट के क्या हैं, फेवरेबल एलिमेंट, फेवरेबल एलिमेंट, ठीक है जी। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन ए से, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैं सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, पी ए इक्वल में आपका आएगा एन ए अपॉन में आपका एन एस, और डिवाइड आप दे दीजिए 24/60 से, ठीक है। तो 24/60 यानी कि आपका कितना निकला आया, 6 से, ओके 6 से, यानी कि 4/10, 4/10 फिर 2 से भी इसे कर दे 2/5, तो आपका फाइनल आंसर निकला आया जी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपकी ये फाइंड आउट हो गई। अब देखिए इस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, आपके पास एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकाली है हमने जहाँ पर आपका ई जो रिपीट हो रहा है वो कम टुगेदर में आएगा, ठीक है, जैसे कि ई ई ए ए सी ई सॉरी ए ए सी पी, या हो सकता है पी डबल ई ए सी पी सॉरी ए सी सॉरी ई आपका डबल टाइम में आएगा, ठीक है, ई मतलब कि एज अ वन आएगा, ठीक है। तो ऐसी आपकी ये प्रोबेबिलिटी निकलाई, और आपके जो वर्ड्स थे वो भी हमने एज अ वन इसी के तरीके से निकाले, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे से आ गया समझ में, नहीं आया तो एक बार और रिपीट करिए और देखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो आपको समझ में आया होगा आज के क्वेश्चन को देखते हुए कि आपको किस तरीके से कॉम्बिनेशन और परमुटेशंस भी पकड़ करनी चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी जब यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे टेंशन सिर्फ एक बात की हो रही होगी, अगर आपने यहाँ पे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं सीख रखा है तो, ठीक है। तो आपको मैं बोलना चाहूँगा स्पेशली, आप मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर जाके प्ले लिस्ट को आप चेक करें, वहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस तक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में गाइडेंस दिया गया है, तो वहाँ से आपके जाके समझें, ठीक है। वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, आपके 100% आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप इन सारे क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसके बाद मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन और सॉल्व करूँगा, जो कि अगली वीडियो में करूँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो जाती है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी ऐसी परेशानी है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना वीडियो को, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।